स्वे नमस्त मे शाव हे ओ शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर परिधान की और जब ईश्वर परिधान करते हैं तो हमारे अंदर का जो सामर्थ्य है वो बढ़ता जाता है और उस सामर्थ्य से हम ओतप्रोत होकर के अपनी जो दृष्टि है उस दृष्टि को और दिव्य बना करके जीव प्रकृति के और उस परमात्मा के स्वरूप को जान करके इस जहान का भी हम उपकार करते हैं और अपने जीवन का भी उपकार करते हैं इसका सदुपयोग करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में कुछ वैसे तो सभी मंत्र बहुत श्रेष्ठ हैं दो तीन मंत्र आपके बीच में हम रखेंगे आप में से किसी का कोई प्रश्न पीछे रह गया हो जी ओम जी जो स्वामी जी पिछली कक्षा में जो चर्चा हो रही थी जी सच्चिदानंद आत्मा प्रकृति और परमात्मा का बारे में ईश्वर का बारे में तो तीनों तो नित्य है लेकिन जो आनंद का बात चर्चा हो रहा था जी आनंद आत्मा में तो रहता भी है क्षण समय के लिए दुख भी रहता है यदि सर्वदा आनंद रहेगा तो फिर वो सच्चिदानंद हो जाएगा इसलिए शायद जो भगवान श्री रामचंद्र या जगत श्री कृष्ण है वो तो आत्मा उनका था वो सच्चिदानंद नहीं थे इसलिए ईश्वर एक बोला जाता है क्योंकि उनका दुख भी उन लोग दुख में भी थे बीच बीच में उनका दुख भी आता था आनंद भी आता था तो इसीलिए वो लोग ईश्वर नहीं थे देवता या भगवान व महापुरुष थे आपका प्रश्न क्या है प्रश्न है तो जो आनंद जो आत्मा में तो रहता है लेकिन क्षण समय में रहता है ये उत्तर है कि प्रश्न है आपका नहीं ये तो बात है ना माने ठीक है आप अच्छा ठीक समझ रहे हैं या <laughs> आनंद रहता भी है लेकिन हाँ, समय में रहता है बीच में आता है। रहता है वो फिर खंडित होता रहता है खंडित होता रहता थीक है ठीक है ये जानकारी ठीक है स्वामी जी कुछ बोलना है हाँ ओम जी जी स्वामी जी प्रणाम ईश्वर के बारे में बहुत सारी तो प्रश्न हो रहा था इसमें एक बात अभी आ रही है थोड़ा सा हटकर मैं पूछ रहा हूँ जी तो हमें यदि जीव जीव की हिसाब से अपने कर्म कर रहे हैं जी। और कर्म की फल भी मिल रहे हैं। जी। जो भी मिल रहे जो भी कर्म कर रहे उसमें सुख दुख और जो भी कमा रहे हैं धन उपार्जन कर रहे उसमें जो भी रहना सहना खाना पीना तो सब चल रहे बिल्कुल अपने अपने गुजरा चला रहे हाँ। फिर यदि हम ईश्वर को माने हाँ। तो इसका परिधान क्यूँ करे और हाँ। कैसे करे इसका पर थोड़ा ईश्वर परिधान कैसे करें हम सब कुछ कर रहे हैं कर्म अपने अपने कर रहे हैं अपने अपने व्यवस्था से चल रहे हैं तो इस अवस्था को कैसे और ठीक करें ईश्वर परिधान कैसे करें क्यों करें तो क्यों करें से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो कर्म करने में स्वतंत्र है स्वतंत्र करता लेकिन स्वतंत्रता में स्वच्छंदता ना आ जाए स्वतंत्रता में स्वच्छता ना आ जाए अहंकार ना आ जाए हम कहीं भूल ना जाए भटक न जाए करता पन से ऊपर उठने के लिए करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे करने मात्र से इस संसार का उधार होने वाला नहीं है या तुम्हारे करने मात्र से तुम्हारे अस्तित्व का उद्धार होने वाला नहीं है केवल कुछ नहीं है केवल कुछ नहीं है केवल तुम्हारे करने से नहीं होगा उस विधाता के प्रति हम समर्पित रहे तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में एक मंत्र आप रोज बोलते हैं या आत्मदा बलदा क्योंकि ईश्वर की जो है स्तुति करने से उसकी उपासना करने से उसका परिधान करने से वो क्या देता है बल देता है वह इसको आप लिख लीजिए जो हमारे वैदिक जीवन पद्धति के दर्शक हैं, उनके लिए विशेष है आप तो रोज बोलते हैं समझते हैं लेकिन इसके भावों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं या आत्मदा उस परमात्मा के प्रति हम क्यों जो है नतमस्तक रहें ईश्वर परिधान क्यों करें या आत्मदा बलदा यहां Vishwa Upasati. प्रशषण यस् ते देवाः प्रशषण यस् उपासते

ये मृत्यु कस्म देवाय हविषा विधेम करेंगे या आत्मदा बलदा विश्व उपासते यस्य प्रशिशाया यस्य यु कस्म देवाय हविषा विधेम तो यह जो मंत्र है यजुर्वेद का यह मंत्र विशेष संकेत कर रहा है कि वह जो परमात्मा है जो आत्मजान का दाता है हमारे अंदर निरंतर सदप्रेरणा देता रहता है हमारे अंदर निरंतर सद्भावनाएं प्रदान करता रहता है कभी भी हम अनुभव करें उसका वरदान उसका आशीर्वाद उसका उपदेश कभी बंद नहीं होता है इसलिए उसकी हम भक्ति करें हम कर्म कर रहे हैं तो भी जब उसके प्रति लगे रहते हैं ईश्वर परिधान करते रहते हैं तो उससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिए हम ईश्वर की भक्ति करें उसकी स्तुति उसकी उपासना करें ये जो आत्मज्ञान का देने वाला है आत्म उत्कर्ष को प्रदान करने वाला है और बलदा जो आत्मिक बल है और शारीरिक बल है उसका जो आधान कराने वाला वो महान परमपिता परमेश्वर है वह हमको आत्मिक शक्ति प्रदान करता है और शारीरिक शक्ति और समाज का बल देने वाला है हमारे अंदर जब सदगुण होंगे सदभावना होगी सदप्रेरणा से उत्प्रोत होंगे तो समाज का भी बल हमको प्राप्त हो जाता है इसलिए हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें ईश्वर परिधान से उत्प्रोत रहे ताकि हमारे गुणकर्म स्वभाव कभी भी खराब ना हो और हमारा सदा सामर्थ्य बढ़ता रहे इसलिए सभी लोग यसे जिसकी विश्व सब लोग देवाह देवाह सब जन सभी देवता गण सभी विद्वान लोग उपासते जिसकी उपासना करते हैं जिसकी प्रार्थना करते हैं जिसकी स्तुति करते हैं और जिसका प्रशिशम प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं जो वेद वाणी है वेद के अनुकूल आचरण वेद के अनुकूल अपने जीवन को बना करके जो अपने जीवन को जीते हैं तो उसकी ही आज्ञा का पालन करते हैं उस ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं उससे कभी विमुख नहीं होते हैं तो ऐसे उसके प्रत्यक्ष सप्त स्वरूप का और इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं तो उसकी प्रत्यक्ष रचना का हम साक्षात्कार करते हैं प्रत्यक्ष हम सब कुछ देखते हैं जिसकी रचना एक मानवीय बौद्धिक जो सामर्थ्य है उसके बस की बात हो ही नहीं सकती है वो केवल परमपिता परमेश्वर ही इस संसार को रच सकता है उसको बसा सकता है उसमें व्यवस्थाएं कर सकता है तो यह उसका जो ऐसा लगता है कि उसकी ध्वजएं चारों ओर फहरा रही हैं उसके निशान को वो बता रही हैं उस परमात्मा के महान ज्ञान को यह प्रदर्शित कर रही है तो उसके सत्य स्वरूप को और शासन को जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलता है हाँ ये बात जरूर है कि हमको वो पता नहीं चलता है कि इसके कौन से गुण कर्म का कौन से इसके कर्म का फल इसको ऐसा मिल गया यदि ऐसा होने लगे तो पता नहीं क्या हो जाए ना, करे। ना भी करें और स्वयं से व्यक्ति परेशान हो जाएगा स्वयं इतने आत्म में हो जाएगा कि उसका जीना दूभर हो जाएगा यदि किसी से त्रुटि हो जाए और उसको पता चलता है भाई इस त्रुटि का तो ये परिणाम मिलेगा तो व्यक्ति जीते जी भी वो ठीक से जी नहीं सकता है उसको चारों ओर से भय ही होगा इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए कि हम उसके आत्म बल से उसके द्वारा प्रदत्त शारीरिक बल से सामाजिक बल से और जो सत्य का बल है, उससे हम सदा रहें, उससे हम नीचे ना गिरे और ये कहा कि जो उसके सत्य शिक्षा अर्थात उसकी जो न्याय व्यवस्था को मानते हैं और यश जिसका न मानना अर्थात भक्ति ना करना इसको जरा सा समझने की बात है जिसका न मानना अर्थात जिसकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु होता है हम लोग उस कस्मई सुख जो है स्वरूप देवाय सकल जान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा आत्मा और अंतःकरण से विधेम भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का पालन सदा करते रहें आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहें अब आपका जो यह प्रश्न था कि हम अपने अपने गुणकर्म स्वभाव से अपने अपने कार्य को करते रहते हैं उसमें ईश्वर की क्या जरूरत है बीच में ईश्वर को लाना इससे क्या सफलता मिलेगी इससे हमको क्या हासिल होगा तो उसके लिए बड़ी बात कही कि जिसकी आज्ञा का पालन करना जिसकी जो उपदेश और उसके संकेत उसके संदेश को जो मानना है यही सच्चा सुख है सच्चा आनंद है और उसका ना मानना अर्थात उसकी आज्ञा का पालन ना करना ही मृत्यु और दुख का कारण है उसकी विशेष भक्ति ना करना तो भक्ति ना करने से क्या ईश्वर हमको कोई ऐसा अभिशाप दे देगा क्या वो हमसे जबरदस्ती अपनी भक्ति करा सकता है क्या या उसकी भक्ति ना करें तो क्या जीवन नहीं चल सकता जरूर चलेगा लेकिन जो बात यह कही है कि जिसकी आज्ञा का जो जिसका आश्रय क्या है मोक्ष सुखदायक है जिसका आश्रय मोक्षदायक और आनंददायक है सुख का आश्रय है और जिसकी भक्ति न करना अर्थात जिसको न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है तो दो बातें हमको समझनी चाहिए इस जीवन में हम जब कर्म करते हैं और सदकर्म से युक्त होते हैं तो उसके आज्ञा का जब हम पालन करेंगे तो हमारे लिए वो सुखदायक होगा और जो वैसा कर्म नहीं करेगा अर्थात जैसा वेद का विधान है जैसा एक मनुष्यता का स्वभाव होना चाहिए मनुष्य का जो स्वभाव होना चाहिए मनुष्यता का जो कर्म होना चाहिए जो धर्म होना चाहिए व्यक्ति उससे यदि पतित होता है तो उसको दुख से कोई बचा नहीं सकता है जब ईश्वर का परिणाम करेंगे तो हमारे अंदर सदा पवित्र विचार ही आएंगे पवित्र कामनाएं होंगी और पवित्र कामनाओं से युक्त होकर के हम पवित्र कर्म धर्म युक्त कर्म करेंगे तो उससे हमको कभी भी दुख नहीं होगा हम अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर उठ करके कार्य करेंगे कर्म करेंगे ईश्वर को समर्पित होकर के कर्म करेंगे तो वो हमको हर पल हर क्षण आनंद से सुख से ओतप्रोत करके रखेंगी और एक बार कोई गलती हो गई तो फिर उसका बार बार उसकी ग्लानी महसूस होना यही तो दुख है और जीते जी व्यक्ति मर जाता है असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति येके चात्मनो जना जो अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं अर्थात आत्मअनुकूल आचरण नहीं करते हैं वेदनुकूल आचरण नहीं करते हैं वे लोग मर जाते हैं मर करके आसुरी लोगों को प्राप्त होते हैं तमस से घिरे हुए लोगों को प्राप्त होते हैं अर्थात आत्मा की जब बात नहीं मानते हैं तो जीवन में हमको कष्ट मिलेगा दुख मिलेगा उससे कोई बचा नहीं सकता और यह दुख कष्ट सहना ही मृत्यु है एक तो शरीर को छोड़ना मृत्यु हो गई लेकिन एक पल पल लोग मरते हैं पल पल अपनी आत्म प्रेरणा को दबा देते हैं और दुख भोगते हैं नरकी जीवन जीते हैं यही तो मृत्यु इससे बढ़कर के मृत्यु क्या हो सकती है और मोक्ष क्या है मोक्ष यह है कि जब उसकी भक्ति करेंगे उस ईश्वर परिधान से युक्त रहेंगे तो हमारे अंदर कि जो प्रेरणा है हम उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करेंगे सदाचार से हमारा जीवन युक्त तो हो जाएगा ईर्षा द्वेष छल कपट झूठ फरेब से मुक्त तो हो जाएंगे तो ये जो दुर्गुणों से मुक्ति ही मोक्ष है दुर्गुणों से मुक्त होना ही मोक्षदायक जो है ये आ, मार्ग हमारा हो जाएगा लेकिन इनसे जब युक्त तो हो जाएंगे तो ये मृत्यु हो जाएगी उसकी भक्ति ना करना उसकी आज्ञा और भक्ति ना करना हाँ। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं ईश्वर की भक्ति नहीं करते वो उनकी मृत्यु होती है वो दुख में डूबे रहते हैं जी लेकिन जो अखंड भक्ति कर रहे हैं वो क्या मरते नहीं है लेकिन उत्तर आपका मुझे मिल गया कि वो दुखों में डूबे हुए हैं वो आनंद में है आनंद में है इसलिए उनको पहाड़ जैसा कोई सुख भी उनके उस सिर पर आ जाए तो अपने प्रसांत वाहिता से विचलित नहीं होते हैं। उनको लाख लोग परेशान करें लाख उनका अपमान करें लेकिन उनकी भाव भंगिमा में कोई परिवर्तन नहीं होता ये ईश्वर की विशेष भक्ति का ही फल है जी। वो पूरे जीवन अपने कमाते रहते कमाते रहते हैं और ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे यदि थोड़ा सा भी कष्ट आता है संकट आता है तो बिलबिला जाते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है बहुत परेशान हो जाते हैं इसलिए ईश्वर की भक्ति करना उसको मानना उसको जानना यह हमारा परम कर्तव्य है इसलिए यह विशेष बात कही यह आत्मदा बलदा कितना बड़ा आश्वासन है हम भटकते रहते हैं इधर उधर लेकिन उसकी शरण तो हम जाए उसका हम गुणगान तो करें उसके वरदान से हम ओतप्रोत हो जाएंगे इस कार्य को यदि हम करने लगते हैं तो और इसका पांचवा जो मंत्र है क्योंकि इस मंत्र तो सारे बहुत अच्छे हैं यह प्राण तो महित्वे तो, महित तो द्राजा जगतो बभुआ या ईशे अस्य द्विपद चतुष्पद कसमय देवाय हवसा विधे सारे ईश्वर परिधान के लिए हैं, ईश्वर की भक्ति के लिए है तो जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का महत्व अपने अनंत महिमा से एक ही राजा विराजमान राजा बभू है जो इस मनुष्य आदि और सभी प्राणियों को जो है शरीर की रचना करता है हम उस सुख स्वरूप सकल ईश्वर के देने वाले परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें इस शरीर से तन से मन से धन से क्योंकि सब कुछ ही उसी का है और उसको ही अर्पण करना उसकी भक्ति में समर्पण करना ही सच्चा ईश्वर परिधान है अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखना क्योंकि सब कुछ उसी का ही दिया हुआ है ऐसी भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसी का जो अगला मंत्र है येन जो रुग्रा पृथ्वी चदरणा येन स्वस्थ वितम येन कहा यो अंतरिक्षे रजसोमि विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम कि जो परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले देव सूर्य आदि और पृथ्वी भूमि को धारण किए हैं जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किए हैं और ये जिस ईश्वर ने ना कहा दुख रहित तो मोक्ष को धारण किया है यह जो अंतरिक्ष में रजसा सब लोक लोकांतरों को विमान विशेष अर्थात विमाना विशेष मानयुक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोक लोकों का निर्माण करता है और भ्रमण कराता है हम लोग उस कस्मई सुखदायक देवाय कामना करने के योग पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमेशा सब सामर्थ्य से विधेयक विशेष भक्ति किया करें हम जब विशेष भक्ति से उतप्रोत होंगे तो निसंदेह कैसी भी परिस्थिति होगी हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख कोई क्लेश कष्ट नहीं होगा यद्यपि जब तक शरीर है तो कहते शरीरम व्याधि मंदिरम शरीर है तो कष्ट आएंगे लेकिन वो कष्ट आपके जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे जो महापुरुष हुए हैं महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखिए सत्रह बार उनको जहर दिया गया सत्रह बार और उनके शरीर को ऐसी अवस्था में अंतिम बार जब उनको संख्या जो है कांच के कांच को पीस करके संख्या उनको दिया गया पूरे शरीर से व्रण घाव और उसमें से इतने पीड़ा होती थी लोग देख करके स्वयं बहुत वो हो जाते थे लेकिन महर्षि के अंतिम क्षणों को जिसने भी देखा कोई चिंता नहीं कोई दबाव नहीं पूरी दिव्यता से उनका चेहरा ऐसे दम दमक रहा था और अंतिम समय जैसे कहते हैं ना कि जो अखंड ब्रह्मचारी होता है मृत्यु उसके हाथ में होती ही, इच्छा मृत्यु को वो प्राप्त होते हैं बहुत ही दिव्यता से भरे महर्षि देवदयनंद जी के जीवन को यदि आप पढ़ेंगे उनके चरित्र को पढ़ेंगे तो वास्तव में क्या ईश्वर भक्ति का फल होता है यह समझ में आएगा ईश्वर परिधान से क्या वो प्रातः बहुत जल्दी उठते थे और घंटों समाधि में लीन रहते थे घंटों उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो कई लोगों ने उनको देखने का प्रयास किया कि स्वामी जंगल में जाकर के क्या करते हैं तो उन्होंने ऐसी भी स्थिति में देखा कि विशेष वो आश्चर्यजनक स्थिति समाधि जब होते थे तो पूरा दिव्यता से ओतप्रोत ओत प्रोत हो जाते थे ऐसा कब होगा जब हमारे अंदर भी ईश्वर के प्रति प्रेम ईश्वर के प्रति जो है भक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव होगा संसार में आकर के हमने उसको बिसराने का काम किया उसको भूलने का काम किया है वो अपने ओर बुलाने के लिए संसार को बनाया था लेकिन हमने उसको भुलाने के लिए संसार की ओर हम जीत हो रहे हैं ऐसे में कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है अपने जीवन को और इस जगत को अच्छा बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और वो हमारा सब कुछ है सनो बंधुर जनिता सविधाता विशेष बात कही कि वह परमात्मा सनो बंधुर जनिता वो हमारा क्या है वो हे मनुष्य वह परमात्मा न अपने लोगों का बंधु है वो क्या है वो बंधु है वो भ्राता है और वो भ्राता के समान सुखदायक है जैसे एक भाई अपने भाई के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार है अब आज की पर वर्तमान परिस्थिति में तो ऐसा संभव नहीं है लेकिन ऐसे आज भी ऐसे अपवाद में महापुरुष ऐसे मिल जाते हैं जो अपने भाई के लिए अपने बंधु के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तो ईश्वर सबसे बड़ा बंधु है वो सबसे ज्यादा हमारा भला चाहने वाला है कभी उसको पुकारो तो कभी उससे कोई सहयोग मांगो तो वो जरूर आपका सहयोग करेगा क्योंकि वो हर पल हर्षण के साथ रहता है इसलिए कहा सनो बंधुर जनिता सविधाता वो क्या है हम सबका है मनुष्य हम सबका वो क्या है बंधु है वो भ्राता है और भ्राता के समान सुखदायक है और वो जनिता है वो जनिता है जनी प्रादुर्भावे वो सकल जगत का उत्पादक है और सविधाता वही हम सबको जो है कामनाओं से सब कामों का पूर्ण करने वाला है जो भी हम सदकामनाएं करते हैं सद इच्छा करते हैं उसकी वो पूर्ति जरूर करता है सनो बंधुर जनिता सविधाता इतना आश्वासन मिल रहा है और फिर भी यदि हम अपनी आंख न खोलें, अपने जान चक्षु से उसको देख करके हमारे अपने जीवन में अमृतमय इस जीवन को यदि ठीक ठीक नहीं जी पाते तो हमारा ही इसमें दोष होगा वह विधाता सब कामों को पूर्ण करने वाला विश्वास भुवनानी लोकमात्र और धामानी जो नाम स्थान और जन्मों को वेद जानता है और यत्र जिस तृतीय सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त धामन मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में अमृतम मोक्ष को आनशाना प्राप्त होकर के देवाह विद्वान लोग पूर्वक विचारते हैं वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य और न्यायाधीश है कितनी बड़ी बात है यदि जो अपने जीवन को उससे कर लेता है, उसी के लिए वो बंधु है उसी के लिए जनता है उसी के लिए विधाता है और उसी के लिए वो सच्चा गुरु है उसी के लिए वो सच्चा न्यायाधीश है उससे बढ़कर के और कोई नहीं है उस न्यायाधीश के सामने हम जब न्याय की पुकार करेंगे तो न्याय जरूर होगा हमारे जीवन में कोई कोई अन्याय नहीं हो सकता है। कोई अत्याचार नहीं हो हो सकता सकता है 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 अत्याचार वह परमात्मा हमारा सच्चा आचार है, सच्चा गुरु है और सच्चा न्यायाधीश है अपने लोग मिलकर के सदा उसकी भक्ति किया करें हम सब मिलकर के उस परमात्मा की भक्ति से ओत प्रोत हो जाएं हम सब मिलकर के उस जीवन को जिए जिसकी कल्पना ऋषियों ने की है ऋषि राम चरितम सत्यम महाजनो पंथा उस पथ के हम पथिक हो जिस पथ पर अनेक ऋषि ऋषिकाओं ने अपने जीवन को दिव्य बनाया है महानतम बनाया है तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ अभी यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे ओम शांति शांति शांति